लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों पर दाव खेला। इससे मुकाबला काफी दिलचस्प है। जहां एक तरफ बीजेपी 7 सीटों पर फिर से विजय पताका फहराने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस इस बार दिल्ली में खाता खोलने की कोशिश कर रही है। और इस सबके बीच दिल्ली की उत्तर पूर्व सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये सीट बना हुआ है, क्यों आपको दिखाते हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव की जंग दिलचस्प हो गई है। 7 सीटों में से एक सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से बीजेपी के मनोज तिवारी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस से कन्हैया कुमार दम भर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में मनोज तिवारी को 54% वोट मिले थे, कांग्रेस और आपको मिलाकर 32% वोट मिले थे। इस बार दोनों दल गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार दोनों पार्टियों के बीच वोट प्रतिशत में बड़ा अंतर था, इसे पाटना कन्हैया कुमार के लिए चुनौती भी होगा। दो बार से सांसद रहे मनोज तिवारी के लिए भी अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना आसान नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी क्षेत्र में घूमकर नाराजगी को पाटने में जरूर जुटी हुई है। हालांकि पूर्वांचली वोटों के विभाजन की स्थिति में तिवारी को कैडर वोट बढ़त दे देंगे, लेकिन अगर मत विभाजन नहीं हुआ, कांग्रेस और आपने एकजुटता दिखाई, तो सत्ता विरोधी लहर का असर मनोज तिवारी पर भारी पड़ सकता है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का लाभ क्या मनोज तिवारी को मिलेगा? यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र की पहचान बनता जा रहा है। इससे न सिर्फ लोगों की आवाजाही आसान हुई है, बल्कि इसका बेहतरीन ढांचा लुभाता भी है। दूसरी तरफ दिल्ली के किनारे विकसित यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क यमुना को निर्मल करने की उम्मीद जगाता है। छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन यहाँ नदी को साफ करने का तरीका समझा जा सकता है। वहीं यमुना विहार, दिलशाद गार्डन व तिमारपुर के सीमित दायरे में पॉश कॉलोनियां भी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र 2009 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। 10 विधानसभा सीटों के साथ इस सीट का गठन हुआ। इससे पहले ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का हिस्सा था, जिसका गठन 1967 में हुआ था। बीते 3 चुनाव में ये सीट एक बार कांग्रेस तो 2 बार भाजपा के हिस्से में रही, जबकि 10 विधानसभाओं में से 7 फिलहाल आम आदमी पार्टी और 3 भाजपा के पास है। वहीं अगर इस सीट पर जातीय समीकरण को समझे तो मुस्लिम 21.50%, पिछड़ा वर्ग 21%, ब्राह्मण 18%, अनुसूचित जाति 17%, गुर्जर 5.50%, वैश्य 5%, पंजाबी 5%, जाट 4%। उत्तर पूर्वी संसदीय सीट, जिस पर 2009 से 2014 तक जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से जीतते रहे, तो वहीं 2014 से अभी तक यानी कि 2024 तक बीजेपी से मनोज तिवारी ही जीत दर्ज कर रहे हैं। बहरहाल मुकाबला तो दिलचस्प है। दोनों ही पार्टियां जोर शोर से प्रचार में भी लगी हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। अब जनता किसको सिर माथे बिठाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।